नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। फरीदकोट में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ओर से बैठक की गई, जिसमें पंजाब के किसानी मुद्दों के अलावा ईश निंदा और अन्य मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरा गया। बैठक के दौरान आपको बता दें कि ईश निंदा का मुद्दा उठाया गया और न्याय में देरी पर जल्द ही फरीदकोट की अदालतों में धरना देने की घोषणा की गई। साथ ही ये भी आपको बता दें कि जिस दिन 15 अक्टूबर को न्याय की मांग कर रहे सिख तीर्थयात्रियों पर गोलीबारी हुई थी, ईश निंदा के मामलों को लेकर के उस दिन धार्मिक संगठनों ने एक मंच पर आकर न्याय की गुहार लगाई थी। आज सुखपाल खैरा ने पंजाब सरकार के खिलाफ बोलते हुए पंजाब सरकार में निम्नलिखित मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब ईश निंदा के मामले में पंजाब से बाहर सुने गए तो ये मामले बाहर सुने गए तो पंजाब सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही पंजाब सरकार विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, 700 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेकर पंजाब पर और कर्ज चढ़ा दिया है। देखो गल है कि आज साडा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस पंजाब दे यूनिट की मीटिंग हुई है। साढ़े नाल मेरे नाल विराजमान ने किरणजीत सिंह संधु प्रेसिडेंट और साढ़े मेरे नाल लेफ्ट ने सरदार जगदेव सिंह जी कमालू XMLA और साढ़े होर ऑफिस बेयरर्स नैशनल लेवल दे और पिछे सारे जिले के प्रधान ते स्टेट की एग्जीक्यूटिव। सब तो इंपोर्टेंट इशू जिहड़ा पंजाब का जिहड़ा मनुखता दे नाल तुलक रखने वाला है, जिहड़ा सरबत दे भले की गल करदा गुरु ग्रंथ साहब जी। 2015 तो अज ऑलमोस्ट 9 साल का समा पूरा हो गया। दोबारा रीइटरेट किया कि 30 दिनों के अंदर असीं इंसाफ देंगे, बल्कि जितने होर इशू सी पंजाब दे दसना चाहना कि तत् की बोल रही है, किस दोषियों को बचा रही है। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से भी तीज का फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में तीज का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से बहुत सी तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कुलदीप कुमार ने बताया कि इस बार उन्होंने खास बंदोबस्त किए हैं और रात को फेमस सिंगर मास्टर सलीम अपनी परफॉर्मेंस देंगे और तीज के इस सेलिब्रेशन में पंजाब और हरियाणा की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तीज फेस्टिवल को लेकर के नगर निगम की तैयारियां पूरी हो गई हैं और बताया जा रहा है कि मास्टर सलीम जो फेमस सिंगर हैं, काफी मशहूर गायक हैं, वो भी अपनी परफॉर्मेंस यहां पर देंगे। फिलहाल नगर निगम की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, जैसे पहले मणि मारियम मनाया जाता था, हमारा तीज का त्यौहार जो है, हमारा चंडीगढ़ वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो जगह जगह लगता रहना चाहिए, हर शहरवासी को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए इस बार ये 46 में लगाया गया। वैसे चंडीगढ़ तो काफी लोग घूमने आते हैं, सफाई का काफी प्रबंध जो चंडीगढ़ के देखने को मिलता है, तो लगता नहीं कि तीज का त्यौहार जो अब मनाया जा रहा है वो काफी लोग पहुंच हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ना, सब पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सफाई का इंतजाम भी रखा गया है, शाम को फेस्टिवल रखा गया है, शाम को जैसे मास्टर सलीम जी आ रहे हैं उनका ही प्रोग्राम है, और भी जो है खाने का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, मतलब सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर तीज फेस्टिवल पर। अगर लोक सभ्यता की गल करिए, यहाँ पर तकरीबन जैसे हमारी जो हमारा जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। अमृतसर में जंडियाला पुलिस ने कई आपराधिक मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नए SSP चरणजीत सिंह ने IPS के सख्त निर्देशों के अनुसार जिले भर में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। और आपको ये भी बता दें कि जंडियाला पुलिस स्टेशन ने कई आपराधिक मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि दीनी नंगल गुरु में गोलीबारी की घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही जंडियाला गुरु के ठठियार वाला बाजार में कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन पर चोरी और ट्रांसफर वायर खरीदने के मामले दर्ज हैं और उन्हें माननीय अदालत में पेश कर उनको रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे कई और खुलासे होने की संभावना है। तो अमृतसर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर
10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत में इन्हें पेश किया गया जिसके बाद से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दरअसल आपराधिक मामले इन पर दर्ज थे कई और इसी के तहत अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यायालय में पेश होने के बाद से इन्हें जेल भेजा जा चुका है। यही वो आरोपी हैं जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਮੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। 307 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਫੜੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਚੌਕੀ 'ਚ ਅਲਿਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ मुक्तसर साहिब के आदेश नर्सिंग कॉलेज की तरफ से सावन का सिंधारा प्रोग्राम के तहत तिया तीज का समागम जीके रिजॉर्ट में करवाया गया है, जिसमें कॉलेज के छात्रों और शहर के युवा स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अपने अपने फन का मजाहरा यहां पर किया और इस समागम में रिटायर्ड प्रिंसिपल सरकारी कॉलेज सतवंत कौर ने मुख्य मेहमान की भूमिका निभाई है। और मौके आपको बता दें कि मौके पर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया। किस कार्यक्रम की मुख्य मेहमान सतवंत कौर ने आलोप हो रहे पंजाबी विरसे और संधारा सोन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वे ससुराल में रहकर अपने मायके की तरफ से सावन के महीने में उम्मीद करती है कि उसका भाई उसको संधारा देकर जाए और उसे अपने मायके लेकर जाए। मुक्तसर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सावन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और महिलाओं ने स्त्रियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरअसल सावन का सिंधारा ये प्रोग्राम था जो आयोजित किया गया और इसमें कई महिलाओं ने बताया कि इस सिंधारा का क्या महत्व होता है। इस सिंधारे में महिलाएं अपने मायके में अपने भाई से आस करती हैं कि वो आए और उन्हें मायके लेकर जाए। तो इस प्रोग्राम में कई सारे लोग पहुंचे। हाँ जी, ये जिहड़ा हैगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग वालों ये प्रोग्राम जिहड़ा संधारा सौण दा ये प्रोग्राम अज कीता गया है। साढ़े बहुते बच्चों इस त्यौहार के बारे पता नहीं हैगा। ये जिहड़ा सौण दे महीने दे विच ये त्यौहार मनाया जाता है। संधारा जिहड़ा हैगा पेके रहिंदियां जिहड़ियां मुटियारां व्याहियां जिहड़ियां सहुरे चले जांदियां ने उन्हां दा भरा उन्हां दा वीर जिहड़ा हैगा संधारा लै के जांदा है भैणां नूं, फिर वह फतियां ते जिहड़ियां कुड़ियां नूं अपने पेके लैके आ। हुण तुहानूं की लगता है मुटियारां हुण क्यों भुलदियां जा रहियां पंजाबी सभ्याचार जो अपना सभ्याचार है पंजाब दा? देखो अपना सभ्याचार ये साडे बजुर्गां ने जो सानूं इह दे सभ्याचार दित्ता है ये साडे च ही कमी है जिहड़े असीं इहनां बच्चियां नूं दस नहीं पा रहे। जिस घर जम्मदियां तियां वे बाबला ਜਿਸ ਘਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਧਾਰਾ ਸਾਉਣ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹੀਏ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80% ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੰਧਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। चारों ओर हरा भरा वातावरण होना मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मनुष्य लालची हो गया है और पर्यावरण को नष्ट करके जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता
यानी पेड़ों को नष्ट करके अपने अस्तित्व को ही खतरे में डालने में लगा हुआ है। पर्यावरण को बचाने के लिए समराला के नजदीक गांव भंगला में पीपल का जंगल लगाया गया है। इस अवसर पर हॉकी क्लब समराला के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बेदी ने कहा कि ऐसे जंगल हर गांव में स्थापित होने चाहिए। पीपल का तीसरा जंगल लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध संस्था हॉकी क्लब समराला द्वारा ग्राम भंगल में ग्राम पंचायत और मालवा स्पोर्ट्स क्लब के साथ मिलकर पंचायत की जमीन पर लगाया गया। साथ ही जो है हरप्रीत सिंह ने कहा कि ये जंगल पंजाब का पहला पीपल का जंगल होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में पीपल के पेड़ होंगे। हमारे पास आपका विरासत वृक्ष है। समराला की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भंगला में पीपल का जंगल बनाया गया है और पंचायत की जमीन पर ये पौधे लगाए गए पीपल के, और बताया जा रहा है कि पंजाब का पहला ये वो जंगल होगा जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पीपल के पेड़ होंगे और पंचायत की जमीन पर ये पीपल के पेड़ लगाए गए हैं, काफी ज्यादा संख्या में लगाए गए हैं जिससे कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये भी बंदोबस्त किया गया है और काफी बड़े एक ज्यादा जमीन में ये पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। हॉकी क्लब समराला की तरफ से ये आयोजन किया गया जहां पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। गुरप्रीत सिंह बेदी, प्रधान समराला हॉकी क्लब। अज असी पिंड भंगला दे विच तीसरा जंगल लगा रहे हैं। साडा मकसद सीगा भी जिहड़ा जंगल ये लगाना ये हटके ही लगाना, क्योंकि पंजाब दे विच तुहानूं कितें भी शायद इन्नी कट्ठे पिप्पल नहीं मिलने, क्योंकि साडा इक सीगा एम सीगा भी असीं ना वध तों वध पिप्पल लगाईए। इत्थे असीं अज असीं 150 पिप्पल पूरे इन्हां दी पिंड दी पंचायत ते पिंड दी क्लब, खासकर मैं इत्थे नौ लऊंगा इन्हां दे सरपंच, अपने सरपंच हरप्रीत सिंह हैप्पी दा, उहदी बहुत मेहनत दे नाल उहदी टीम आ। हरप्रीत सिंह, पिंड भंगला, ब्लॉक समराला। अज असीं पिंड दे नौजवानां अते हाकी क्लब दे संयोग नाल एक अलग कंसैप्ट दे तहत पिप्पलां दा जंगल लगाया। करीब 150 दे करीब बूटा लगाया गया, क्योंकि अपने इलाके च इदां दे पिप्पलां दा उह नहीं हैगा वी कंसैप्ट नवां, ते इहदे लई सारे नौजवानां ने पिछले 10 दिनां तों मेहनत कर रहे सी टोयां वगैरह तां इहनूं जगह नूं पद्धर करन च, ते इस दे विच हाकी क्लब दा बहुत संयोग रहा। ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਪੀਲੂ, ਡੇੜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇ ਲਗੇਂਗੇ ਅਬ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। इस मौके पर पहुंचे बीबी कुलदीप कौर टोहड़ा और गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर और सिंह साहबान की मौजूदगी में बसंती रंग का निशान साहिब चढ़ाया गया। इस मौके पर बीबी कुलदीप कौर ने बताया कि पहले समय में बसंती रंग ही निशान साहिब का रंग हुआ करता था, समय बदला तो केसरी रंग के निशान साहिब गुरुद्वारे में लगाए गए। अब सिखों की सिरमौर संस्था श्री अकाल तख्त साहब द्वारा हुक्म जारी कर निशान साहिब का रंग बसंती करने के आदेश आए हैं, जिसके तहत देश विदेश के गुरुद्वारों उनमें भी बसंती रंग के ही निशान साहिब चढ़ाए गए हैं। पंथ महाराज श्री काल तख्त साहिब अकाल पुरख परमात्मा रजे तख्त है, जिस तख्त तो हर वेले सिख पंथ नूं समुचे जगत नूं जदों भी कोई उकियाई आउंदी है ते सानूं आदेश संदेश जारी होंदे हन। ते हुण कुछ दिन पहलां श्री अकाल तख्त साहिब ते पंच सिंह साहिबान दी इकत्रता होई, जिस विच इह गुरमता कीता गया कि समुचे पावन स्थानां ते जो निशान साहिब है उह हुण बसंती रंग दे चलाए जाण। इहदी महत्ता बहुत पुरानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब निशान साहब का रंग चेंज हो के चलाए गए ने, क्योंकि ये साडा बहुत पुराना रंग जो केसरी बसंती रंग कह लो केसरी कह लो
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਚ ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। जालंधर के अटारी बाजार में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने गणपति ज्वेलर्स में शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंची और खानापूर्ति कर चली गई। फोन आंदा पड़ोसी का अद्धा शटर चक्या दुकान के अंदर मैं नहीं पाई दुकान के अंदर तो नहीं है ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਪੜਾਵਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਮੂਲ ਕਾਫੀ ਕੱਢਿਆ ਨੱਕ ਪਲੱਸ ਹੀ ਗਾ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੁਐਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਸ਼ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ लुधियाना के मेहरबान इलाके में इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जहां पांचवीं की छात्रा से आरोपी ने दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया और मिली जानकारी के अनुसार एक घर में ही दोनों परिवार रहते थे। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी जिसके कारण बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया। वहीं इस बात का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां बच्ची का पेट फूलने पर उससे पूछताछ करने लगी तो बच्ची ने बताया कि घर में बने क्वार्टर में रह रहे व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची में जो है 6 ग्राम खून है और ऐसे में गर्भपात को लेकर बच्ची के खून का इंतजाम किया गया। वहीं इस मामले में जब मीडिया ने एसएमओ मनदीप सिद्धू से कहा तो मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने आरोपी को फांसी देने की गुहार लगाई है। सिविल अस्पताल आए हैं कि मेरे कुड़ी नाल रेप होया। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੱਚੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? 5th ਕਲਾਸ। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 5 ਕੁੜੀ 1 ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਸੇ ਬੜਾ ਹੈ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤੋ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੋ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। फिर जो स्कूले जाने लगी कुड़ी तो स्कूले जाने लगी तो बेल्ट ऊपरों बांधने लगी। ये 5 महीना हो गया जी। तो दस्या ने तो जो बेल्ट ऊपरों बांधने लगे तो मेरे को सामने आने लगा कि ये चीजें क्यों ऐसे हो रहा है। मतलब पेट निकला कुड़ी? हाँ जी। संगरूर के खड़ियाल गांव में सेना के जवान हवलदार गुरवीर सिंह की सिक्किम में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक 2 दिन पहले घर से निकला था तभी अचानक उसकी मौत की खबर सामने आ गई। खड़ियाल गांव के सेना के जवान हवलदार गुरवीर सिंह की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। तो संगरूर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सेना के एक जवान की सिक्किम में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। पूरे गांव में इस शहादत को लेकर शोक की लहर है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस जवान की जिसकी सिक्किम में ड्यूटी के दौरान जिनका निधन हो गया और अब इस खबर को सुनकर पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ड्यूटी के दौरान जो है इनकी मौत हो गई।
श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव को शिकायत लिखी है। उन्होंने लिखा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में गलत वोट बनवा रही है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। WWE में भारत का मान बढ़ाने वाले द ग्रेट खली लुधियाना पहुंचे और युवाओं को अधिक खेलों के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा खाना खाएं और नशे से दूर रहें। लुधियाना की ये खबर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां तस्वीरों में आप द ग्रेट खली को देख सकते हैं। दरअसल यहां पर पहुंचकर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलों के प्रति आकर्षित होना चाहिए और नशे से खासकर दूर रहना चाहिए। तो उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर खली पहुंचे और युवाओं को संदेश दिया। मैं बताना चाहूंगा कि सब लोगों की भी, आप सब जो मीडिया है, सब लोगों ने अच्छी तरीके से कवर करना है। हमारा सभी का फर्ज बनता है कि अकेला ये नहीं कि मेरा फर्ज बनता है, अकेला कोई ये नहीं कि आयुष का फर्ज बनता है, लेकिन मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको अच्छी तरह दिखाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो एक निराश होकर बैठते हैं, उनको लगता है यार कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ये जो पंजाब। तो पंजाब टाइम्स देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।